Assalamualaikum respectable class. Here's your online tutor Hinaiman. So let's start our lecture. आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक ये है कि टास्क बार पर मैं आपको डिटेल वीडियो देने जा रही हूँ. टास्क बार होती क्या है? सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका माइंड में रेज होता है. आप जब भी अपने पीसी स्क्रीन ऑन करते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन आती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं. उसके बाद जो नीचे जो लाइन शो हो रही है, जिस पर छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, ये होती है हमारी टास्क बार. टास्क बार तो मैंने आपको बता दी क्या होती है. अब इसकी सेटिंग्स हम कैसे चेंज करते हैं. सबसे पहले आपने अपना पीसी रिफ्रेश करना है. रिफ्रेश करने के लिए राइट क्लिक करें, रिफ्रेश पर जाएं या कीबोर्ड से F5 प्रेस करें. टास्क बार की सेटिंग पर जाने के लिए दोबारा राइट क्लिक करें, यहाँ पर नीचे जाएं, यहाँ पर होगा पर्सनलाइज, इस पर क्लिक करें. पर्सनलाइज पर जाने के बाद आपकी जो सेटिंग ओपन हो रही है वो पर्सनलाइज की है. उसके बाद जाएं टास्क बार पर, सबसे एंड पे है, आप देख सकते हैं ये पर्सनलाइज की थी. उसके बाद टास्क बार पर या आपने आप पीसी की सेटिंग्स में जाकर सर्च भी कर सकते हैं. मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि बहुत सी सेटिंग्स हैं जो हर पीसी में डिफरेंट होती हैं, बट उनका मकसद एक ही है, तो घुमा फिरा के वही चीज़ बताई होती है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना. यहाँ पर मैं टास्क बार सेटिंग पर आ चुकी हूँ. अब आप सबसे पहले देखेंगे कि मैंने अपनी टास्क बार को लॉक किया हुआ है. अगर हम अपने टास्क बार को लॉक नहीं करेंगे तो जब हम दोबारा अपना पीसी ऑन करेंगे तो वहाँ से वो सारे आइकन उड़े होंगे, मतलब ख़त्म हो गए होंगे और टास्क बार हमारी गुम हो गई होगी. उसके बाद ये है कि नीचे ऑप्शन आ रहा है वो ये है कि ऑटोमेटिकली हाइड इन द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड. इसका मतलब ये है कि जब भी डेस्कटॉप मोड पे आए तो आपकी टास्क बार हाइड हो जाए. मैंने इसको ऑन नहीं किया, आप करना चाहे कर सकते हैं. जैसे मैंने इसको ऑन किया है आप देख सकते हैं नीचे जो हमारे आइकन्स थे वो गायब हो चुके हैं, बट मुझे ज़रूरत पड़ती है इस वजह से मैंने नहीं किया. नेक्स्ट हमारे पास है कि इन जब टैबलेट मोड हो तो तब हमारी जो टास्क बार है हाइड हो जाए, तो आप इसको भी ऑन करना चाहे कर सकते हैं. यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स, इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल बटन्स में कन्वर्ट हो जाए. आप देख सकते हैं नीचे चेंजेस होती जा रही है, स्मॉल बटन्स में आपका कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इसको भी ओपन ऑन नहीं करना चाहती हूँ. आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसको ऑफ कर दूंगी. नेक्स्ट ये कि व्हेन यू मूव योर माउस टू शो द नेक्स्ट बटन एट द एंड ऑफ द टास्क बार. ओके, ये मैंने ऑन किया हुआ है. इसका मतलब ये जब भी मैं मूव करूँ तो वहाँ पर मैं दोबारा अपने डेस्कटॉप पर वापस आ जाऊँ. नेक्स्ट है यहाँ पर शो बैजेस ऑन टास्क बार बटन, यस मैंने ये भी ऑन किया हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास है टास्क बार की लोकेशन, मैंने बॉटम पे रखी हुई है, आप चाहे राइट पे कर दें. हमारी टास्क बार राइट पे जा चुकी है, आप देख सकते हैं. इसी तरह लेफ्ट है, टॉप है, टॉप पर करेंगे टॉप पर आएगी, बट मैंने इसको बॉटम रखा है, आप जैसे रखना चाहे रख सकते हैं. नेक्स्ट है कंबाइंड टास्क बार बटन्स, ऑलवेज हाइड लेबल्स व्हेन टास्क बार इज फुल, नेवर. मैंने इसको ऑलवेज हाइड लेबल्स पे किया है, आप जैसे करना चाहे कर सकते हैं. नेक्स्ट नोटिफिकेशन क्या है, मेरे सारे नोटिफिकेशन बंद किए हुए हैं. आप इसे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से नोटिफिकेशन आपके टास्क बार पे शो होने चाहिए, कौन से नहीं. बहुत अच्छी सेटिंग है ये. नेक्स्ट है मल्टीपल डिस्प्लेज. मल्टीपल डिस्प्लेज इसलिए हाइड है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो टास्क बार के जो ऊपर से सेटिंग्स है उनको ऑफ किया है, इस वजह से. अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपको मल्टीपल डिस्प्ले भी मिल जाएंगे. नेक्स्ट है यहाँ पर, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी टास्क बार का कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे. सबसे पहले मैं टास्क बार पर थी, वहाँ मैंने आपको तकरीबन सारी सेटिंग समझा दी है. होप सो आपको समझ आ गई हो. हम उसकी डायरेक्शन, सबसे मज़े की चीज़ है कि हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं जिससे हमारा पीसी और अट्रैक्टिव लगे. इसके अलावा यहाँ पर है कलर्स का ऑप्शन. टास्क बार नीचे है, इसके ऊपर आप जाएं तो यहाँ पर है कलर्स का ऑप्शन. आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कलर्स की सेटिंग ओपन हो जाएंगी. यहाँ से मैंने इसको कलर किया हुआ कस्टम. यहाँ से आप लाइट और डार्क भी डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर नीचे ये है कि विंडो मोड कौन सा होना चाहिए, लाइट या डार्क. मैंने डार्क सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसको लाइट भी कर सकते हैं. नीचे हमारे पास है चूज योर डिफॉल्ट ऐप मोड. ऐप मोड हमारे मतलब कि जब ऐप डिस्प्ले हो उसका कलर कौन सा होना चाहिए, लाइट या डार्क, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं. नीचे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट. ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स का मतलब ये है कि आपकी मतलब कि जो आपने कोई चीज़ ओपन की हो तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या चल रहा है वो भी आपको नजर आ रहा हो, इसको इनेबल कर ले बेहतर रहेगा. नेक्स्ट नीचे यहाँ पर ये कि यूज़ योर एसेंट कलर्स. यहाँ से मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट किया हुआ है, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा. और तकरीबन आप देख सकते हैं मेरी ज़्यादातर सेटिंग्स में यही कलर डिस्प्ले हो, जैसे मैंने ऑन किया तो इस पर ये कलर, वही कलर सेम डिस्प्ले हो रहा है. यहाँ पर ये कि ऑटोमेटिकली पिक एन इंस्टेंट कलर फॉर माई बैकग्राउंड. इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पर इनेबल कर दूंगी तो ये सारे कलर्स लाइन वाइज मेरे टास्क बार पर शो होने लग जाएंगे, मतलब कि
खुद ब खुद चलते रहेंगे। यहाँ से आप कस्टम कलर भी कर सकते हैं। कस्टम कलर का मतलब ये है कि ऐसा कलर जो जिसको आप ब्राइटनेस या थोड़ा कम नीचे करके अपने मुताबिक का कलर बना सकते हैं तो आप ज़रूर बनाएं, या आपके सामने इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। नीचे ये है कि ऐसी जो कलर सेलेक्ट कर लिया है वो किस किस चीज़ पर शो होना चाहिए। टाइटल बार्स और विंडो बॉर्डर्स मैंने सेलेक्ट किया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये कलर्स मैंने सेलेक्ट किया है वो टाइटल बार्स और विंडो बॉर्डर्स पर ही नज़र आना चाहिए। स्टार टास्क बार एक्शन सेंटर पर मुझे नहीं नज़र आना चाहिए। अगर मैं इसको भी इनेबल कर दूंगी तो वो यहाँ पर भी शो होने लग जाएगा। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया हो। टास्क बार की फुल डिटेल्स मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम अपना, जैसे मैं अभी स्क्रॉल डाउन करती जा रही हूँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगी मैं कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले आपने जाना है ऐसी जगह पर जहाँ पर स्क्रॉल डाउन होना हो। जैसे हम टास्क बार पर जाएंगे, टास्क बार पर जाने के बाद आपने फिर कर्सर बिल्कुल एंड पे लेके जाना है। एंड पे लेके जाएंगे तो ये बाहर की तरफ निकल आएगा, इसको हम स्लाइड बार कहते हैं। फिर आपने क्या करना है, कीबोर्ड पर या माउस टच पैड भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग माउस पे अटैच करते हैं, तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है माउस पर या टच पैड पर, साथ अपने अपना फिंगर रखना है टच पैड पर, और आपने क्या करना है उसको नीचे की तरफ मूव कराते जाना है जैसे फिंगर के साथ आहिस्ता आहिस्ता। ये आप देख सकते हैं, इसी से हम स्क्रोल डाउन कर सकते हैं, स्लाइडली नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम टास्क बार पर अपना आइकन कैसे पिन कर सकते हैं और आइकन पिन करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आइकन पिन करना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा कोई ऐप या ऐसी फोल्डर्स जो हमें जल्दी चाहिए अपना पीसी ऑन करने के बाद, तो उसे हम सामने रख देंगे। सिंपल इसका मतलब ये है कि आप उस तक जल्दी पहुंच सकते हैं टास्क बार पर आइकन पिन करने के बाद। अब यहाँ पर मैंने बहुत से आइकन्स पिन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी सेटिंग्स ओपन करती हूँ। सेटिंग्स ही टास्क बार की सेटिंग्स ओपन है। अब मैं आपको बताऊंगी कि तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का क्या मतलब है। इस साइन को जो माइनस का साइन हो उसको कहते हैं मिनिमाइज। मिनिमाइज करने से वो ऐप या फीचर फोल्डर पूरी तरह बंद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्लोज होता है। दोबारा उस पर हम क्लिक करके इजीली पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास रीस्टोर डाउन का। रीस्टोर डाउन का मतलब ये है कि ना वो ऐप पूरी तरह बंद हो ना ओपन हुआ हो, सिंपल एक छोटी स्क्रीन में शो हो रहा हो जिसको हम कर्सर ले जाकर लेफ्ट क्लिक के साथ मूव करवा सकते हैं टच पैड के जरिए। नेक्स्ट इसको हम मैक्सिमाइज कर देंगे। क्रॉस का मतलब सबको पता होगा, इसका मतलब होता है पूरी तरह खत्म हो जाना, एग्जिट। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी आइकन कैसे पिन करते हैं। ये सारे आइकन मैंने पिन किए हुए हैं, तो अगर मैं इन पे आइकन्स पर कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करती हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला वो ऑप्शन है जिसके अंदर नजर आ रहा है कि उस ऐप का नेम क्या है, जैसे इसका नेम वॉइस रिकॉर्डर है। नेक्स्ट आ रहा है अनपिन फ्रॉम टास्क बार, इसका मतलब ये है कि उसको अनपिन कर देना। मैंने इनको पिन किया हुआ था इसलिए यहाँ पर अनपिन आ रहा है। सेटिंग्स मेरी पिन नहीं है, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगी। यहाँ पर क्लोज विंडो का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सेटिंग्स की कोई विंडो ओपन हुई हुई है, तो यहाँ क्लोज विंडो करूंगी तो वो क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है पिन टू टास्क बार, अब मैं इसको यहाँ पर पिन कर दूंगी। यहाँ से मैं राइट क्लिक दोबारा करूंगी, क्लोज विंडो कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं पहले मेरी सेटिंग्स जब मैं क्लोज कर रही थी तो यहाँ पर शो नहीं हो रही थी, अब ना ही मैंने इसको मिनिमाइज किया हुआ लेकिन फिर भी मेरी टास्क बार पर शो हो रही है। इसे हम पिन करना कहते हैं, जिस पर हम इजीली क्लिक करेंगे तो हम अपनी ऐप को जल्दी ओपन कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं अब वहां पर सर्च पर जाऊं, सर्च पर जाके सेटिंग्स लिखूं, सेटिंग्स लिखने के बाद एंटर प्रेस करूं तो वो ओपन हो। इसकी बजाय मैंने इस आइकन को पिन कर दिया है टास्क बार के ऊपर। होप आपको समझ आ गया हो। ये मेथड बिल्कुल सेम एज इट इज है। जिन मेरे पास विंडो 10 है, जिनके पास विंडो 8 होगी, उनके डेस्कटॉप पर नीचे एप्स में कोई भी ऐप वो क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद उनके पास ऑप्शंस होंगे
पिन टू टास्क बार, पिन टू स्टार्ट एंड अनइंस्टॉल।